हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, ठीक है। आपके घराने को परमेश्वर आशीष देगा, ढेर सारी खुशियाँ देगा, बरकतें देगा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ठीक है। इसके लिए पिता के सामने हमें निष्कलंक बने रहना है, धर्मी बने रहना है, पवित्र बने रहना है, ठीक है। पाप नहीं करना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप रहता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनता है, ठीक है, और उत्तर भी नहीं देता है, ठीक है। इसलिए हमें पिता के सामने निष्कलंक बने रहना है, धर्मी बने रहना है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पिता ने कहा है, मेरे प्रियो, किसी मनुष्य ने नहीं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने कहा है, मेरे प्रियो, ठीक है। पिता हम सभी से बहुत प्रेम करता है, पिता हम सभी के आंख की पुतली की तरह संभाल के रखता है, प्रेम करता है, ठीक है। आपके घर परिवार वाले आपसे प्रेम नहीं करेंगे जितना प्रेम यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह का प्रेम बहुत बड़ा है, मेरे प्रियो, ठीक है। तो जो भी समस्या आपके जीवन में, दुख हो, तकलीफ हो, ठीक है, गरीबी हो, तंगी हो, बीमारी हो, कुछ भी घटी समस्या हो, सब पिता के सामने रखेंगे, पिता से बताएंगे, मेरे प्रियो, ठीक है। पिता हमारा महान है, दयालु है, ठीक है। पिता अपने बेटे बेटियों को निराश नहीं होने देता है, ठीक है। हमें पिता से मांगना है और पिता अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को देगा, ठीक है। हमें विश्वास से पुकारना है, विश्वास से पिता से मांगना है, ठीक है। संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है, जो हवा से उछलती बहती है, मेरे प्रियो, ठीक है। हमें संदेह नहीं करना है, प्रतीति करना है। यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो तुम इस पहाड़ से या फिर इस पहाड़ से या इस पेड़ से कह दोगे कि उखड़ कर उस स्थान पर चला जावा, तो तुम्हारी बात मान लेगा, मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास होगा, यीशु मसीह पर विश्वास होगा, कठोर विश्वास होगा, मेरे प्रियो, ठीक है। पिता ने कहा है, तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं और आमीन बोलकर रिसीव करें, ठीक है। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, आप महान है, आप दयालु है, आप करुणानिधि है, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, आप अल्फा ओमेगा अनंत है, सृष्टिकर्ता, मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे पिता। पिता, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है, पिता, क्योंकि महिमा आप महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई महिमा करने के योग्य है। मेरा धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे सृष्टिकर्ता, मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी ऊंचाई करते हैं। यीशु मसीह, आपकी महिमा हो, जय जयकार हो, मेरे पिता। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, मेरे स्वामी, मेरे पिता, जो आपने पिता हम सबको जीवितों के बीच में जीवित रखा है, मेरे यीशु। पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, मेरे स्वामी, मेरे पिता। पिता, कितने तो होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे, सांसारिक लोग होंगे पिता, जो वचन के ही, बिना वचन ही के द्वारा मर गए होंगे पिता, वे नरक चले गए होंगे, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे। यीशु राजा, पिता, जो आपने बचा लिया है, यीशु राजा, छुड़ा लिया है मेरे पिता, यीशु पिता, पिता, इस संसार से चुन लिया है, अलग कर दिया है संसार से, चुन कर यीशु पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे पिता। पिता, होने दे मेरे स्वामी, मेरे राजाओं के राजा, मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, प्रभु जी। पिता, जो बीमार है पिता, जो लाचार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे पिता, जो नहीं ठीक हो रहे मेरे पिता, हम चाहते हैं मेरे पिता आप उन्हें छू ले मेरे स्वामी, वे चंगे हो जाएं, वे आजाद हो जाएं, वे फ्री हो जाएं पिता। ओ तेजो में ब्लेसिंग मांग लेते हैं, ओ चंगाई छुटकारा मांग लेते हैं इनके जीवनों में मेरे पिता। पिता, ये चंगे हो जाएं, जिनके कैंसर है, गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया है, नाना प्रकार की घातक बीमारी, गंभीर खतरनाक बीमारी, क्यों ना हो मेरे पिता, वे आपसे बड़ी कुछ भी नहीं है मेरे स्वामी। यीशु पापा, आप मदद करें पिता, आप उन्हें छू ले मेरे स्वामी, आप छुड़ाने वाले हैं, आप बचाने वाले परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर पिता। पिता, आपका वचन कहता है, तुझे महामारी से, बहेलियों की जाल से बचाएगा, छुड़ाएगा, यस मेरे यीशु राजा। इसके लिए पिता धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, मेरे पिता आप सृष्टिकर्ता मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु पिता आपको दिया गया है मेरे पिता। पिता होने दे मेरे पिता, जो हम सभी से पाप गलती गुना हुए हैं मेरे स्वामी, दिन भर में पाप गलती गुना हुए हैं, अब तक हफ्ते से लगातार पाप गलती गुना होते आ रहे हैं, हो रहे हैं मेरे पिता, आप माफ करें पिता, आप क्षमा करें मेरे स्वामी, आप माफ करें मेरे पिता, क्योंकि पिता हम मनुष्य हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं मेरे पिता, हम पाप में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं मेरा पिता, मनुष्य हैं पिता, हम कमजोर हैं, गुनाहों में, व्यभिचार में, गलतियों में, पापों में गिर सकते हैं मेरे पिता, आप माफ करें, आप दयालु हैं, आपके पास ये अधिकार है, आप निष्पाप हैं, आप हम सभी के गुनाहों को पापों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता, आप ढाप दीजिए गुनाहों को, आप क्षमा कर दीजिए, आप अपने लहू से धोकर पवित्र कर दीजिए, जिस प्रकार से आप पवित्र हैं मेरे स्वामी, उसी प्रकार से पिता हम सबों को भी पवित्र बनाइए, पवित्र कर दीजिए मेरे पिता, पवित्र कर दीजिए यीशु राजा आपके सामर्थ्य नाम से, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप पवित्र हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, आप सृष्टिकर्ता मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी यीशु पापा आपको दिया गया है मेरे पिता, होते दे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है मेरे पिता, जिनके ऊपर दुष्ट आत्माएं आती है पिता, जो दुष्ट आत्माएं परेशान करके रखी है मेरे पिता, इनको और इनके घर परिवार वालों को मेरे पिता, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरे पिता, जिन घरों में आवाज मेरी गूंज रही है मेरे पिता, आपके नाम से पिता उनके अंदर से शैतान अभी से घड़ी निकल जाए पिता, वो शैतान निकल जाए मसीह आपके नाम से मेरे पिता, शैतान की औकात नहीं पिता आपके सामने खड़े रहने की, टिके रहने की मेरे पिता, पिता जिनके घरों में दुष्ट आत्माएं हैं पिता, दुष्ट आत्माएं लड़ाई झगड़ा डालती हैं पिता, आपके नाम से पिता वे दुष्ट आत्माएं निकल जाए पिता, कोसों दूर जाने पर यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाए वे घर, वे भाई बहन आजाद हो जाए, शैतान निकल जाए पिता, आपका वचन कहता है पिता जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, यीशु पिता आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं पिता, ये आजाद हो जाए, ये फ्री हो जाए, हर एक कराधरा की आत्मा, हर एक जादू टोना की आत्मा जल जाए यीशु मसीह आपके नाम से, जलकर राख कोयला हो जाए यीशु मसीह आपके नाम से पिता, आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके सामर्थ्य नाम से मेरे रजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र मेरे पिता, आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दी है, कूढ़िया पाइजों को शुद्ध किया है पिता, लंगड़ों को चलाया है, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी है, बहरों को सुनने की सामर्थ्य दिया है मेरे यीशु पिता, इसके लिए पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपके ना कोई तुल्य हो पाएगा इस जगत में पिता, पिता आपके कोई तुल्य नहीं है और ना कोई हो पाएगा मेरे पिता, महान आश्चर्य काम करने लिए यीशु पिता आप मेरे पिता, पिता आप इन्हें छू ले, हर एक जन को छू ले, वे फ्री हो जाएं, वे अभिषेक से भर जाएं, वे आजाद हो जाएं, आपके ब्लेसिंग में आगे बढ़ते रहें पिता, आपका वचन कहता है जो मुझ में नहीं फलता है मैं उसको काट डालता हूँ पिता, आपका वचन कहता है जो मुझ में फलता है, जो फलवंत होता है मैं उसको और छाटता हूँ ताकि वह और फले और फल लाए मेरे पिता, पिता इन मसीह में बहनों को पिता आशीष दे, ज्ञान बुद्धि दे पिता, आपके वचनों की भूख प्यास लगने पाए, प्रार्थना में लगे रहे पिता, आपका वचन कहता है प्रार्थना किया करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, यश मेरे पिता, पिता इन मसीह भाइयों को आशीष दे, ज्ञान बुद्धि दे, पवित्र आत्मा जी हर एक जन को छू ले पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आपके हुजूरी में उपस्थिति में बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा जी हर एक जन को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, यू टच में पवित्र आत्मा जी, यू टच में पवित्र आत्मा जी, हर एक जन को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, पिता जो रात में नहीं सो पाते हैं, डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं, ख्याल आता है, विचार आता है मेरे पिता, वे गंदे सपने ख्याल जलकर राख हो जाएं, हमेशा के लिए राख हो जाएं, वे आजाद हो जाएं, बंधनों से आजाद हो जाएं आपके नाम से मेरे पिता, पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे पिता, इस वचन के द्वारा पिता हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में चमत्कार करने पाए, सहायता करें पिता परमेश्वर आप, पिता मुझे आशा है विश्वास है मेरे पिता अपने प्रार्थना को सुना है मेरे पिता, पिता ये छोटी सी विनती आपके सामर्थ्य नाम से मांगती है, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन और आमीन।